और नाजीन ये जो अब कहा जा रहा है कि आईनी मुसवदे का जो असल ड्राफ्ट था या असल जो स्क्रिप्ट था उस पर अमल दरामद नहीं हुआ और शायद इसका एक सेकेंड फेज भी अब देखा जाएगा वो कौन कौन से मामला थे जिनको हुकूमत की जानब से ड्रॉप करना पड़ा बाहिर तो एक नजर आया कि पोलिटिकल कंसेंसिस इस छब्बीसवीं आईनी तरमीम के लिए डेवलप हुआ लेकिन अब जिस तरह के सवाल रेज हो रहे हैं और अगर इसका सेकेंड फेज देखा जाएगा तो उसमें क्या क्या मजीद मामला जो हैं वो जेर गौर आ सकते हैं और उसके लिए नंबर्स के हवाले से फिर क्या किया जाएगा दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको बजा अब वो सेलिब्रेटरी मोड में हद तक नजर आ रही है कि जहां पे उनको लग रहा है कि उनको रिलीफ मिलने का आगाज गुजता रोज उस वक्त जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानेब से रिलीज ऑर्डर जारी किए गए थे सबक वजीरजम की एहलिया से मुतालिक, सो उस पर भी जरा गुफ्तू करेंगे और मामला किस तरफ जाएंगे अब जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तश्कील से मुताल भी बहुत कुछ वजारत कानून की जानव सब से सबसे कुछ देर पहले वाजे कर दिया गया है जो कॉम्प्लीकेशन के हवाले से हाईलाइट किया जाता है कुछ तजिया कार्ज कुछ लीगल एक्सपर्ट्स भी अपने ओपिनियंस दे रहे हैं आ, सो क्या मामला अब जो डस्ट है वो वंस एंड फॉर ऑल सेटल होने जा रही है या हम के की तरफ भी मामला जाते हुए देख सकते हैं हम एक गुफ्तगू के लिए ज्वाइन कर रहे हैं वेरी ऑनर्ड डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब सर असला ख्वाज साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए

कि ये प्योरली एक अदालती मामला है या कोई इसके पीछे कुछ और भी मुजमरत हैं या महर्रकत हैं लेकिन मैं जो है मैं नहीं समझता कि इसकी एक कोई सिग्निफिकेंस है एज पर जो पोलिटिकल इस वक्त माहौल है हमारा उसकी कोई नेगेटिव या पॉजिटिव जो है कोई उसका कोई फैक्ट्स हों कभी तौर पर नहीं है अगर उनकी अदालत ने जमानत कर दी है तो शॉपिस कोई उसके ऊपर मुझे तनकीद करने की कथितौर पर जरूरत नहीं है कि क्यों जमानत हुई है क्या नहीं हुई मैं मैं इस किस्म की बातों में आ, कभी भी नहीं उलझा और ना उलझूंगा आप यू नो बट बटकुआ साहब ये तो हुकूमत का खासकर नून लीग का एक बयानिया था कि इन्होंने बहुत कुछ एविडेंस जो है वो हुकूमत के पास मौजूद थे तोशाखाना से मुतालिक और इनका नाम भी जो है वो बिल्कुल सर फहरिस्त था तो फिर क्या ये समझा जाए कि अगर अदालतों से अगर इनको रिलीफ मिलने का सिलसिला शुरू हुआ है इसको एक आगाज समझा जाए तो ये मेरिट पे फैसले हो रहे हैं नहीं देखें आ आप जो बात कर रहे हैं वो मुख्तलिफ है वो वो जमानत होना जो है वो केस की जो सेहत के ऊपर कोई उसका असर नहीं होता कत्ल के मुलज़मों को भी जो है जमानत मिल जाती है अगर अदालतें जो है उनको समझें कि भाई इसमें कोई गुंजाइश है जमानत की तो मिल जाती है बाज़ केसेस में नहीं भी मिलती हमें नहीं मिलती रही थी जमानत कई कई महीने सालों नहीं मिली जमानतें जो है इमरान खान साहब जब हुरान थे लेकिन ये करना है कहना कि उनके ऊपर केस के को भी इफेक्ट होगा मैं समझता हूं केस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा केस पे तो इफेक्ट जो है नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो एविडेंस की वजह से होगा जमानत होना या ना होने की वजह से इफेक्ट नहीं होगा राइट, साथ साथ ये भी चेम ग तरीके इंसाफ की बागडोर संभालते हुए नजर आ सकते हैं माइनस इमरान खान पीटीआई प्लान सो आपको ऐसा कुछ होते हुए दिखाई दे मैं, रहे मैंने, मैंने नहीं सुना ये मेरे लिए ये बिल्कुल एक इंकशाफ है आ, मैंने तो उनके शाहमुद क्रैशी के हवाले से जो उनके हैं उनके बयान देखता रहा हूँ टीवी वगैरह के ऊपर वो अपनी पोजिशन क्लैरिफाई कर रहे थे वो जाने उनकी पार्टी जाने पार्टी उनको बिलीव करती है नहीं बिलीव करती लेकिन मैंने नहीं ये बात सुनी कि वो बाहर आके जो है को, 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 पार्टी को डीड कर रहे हैं और आपने उनके साहबजादे का जिक्र किया तो वॉज ऑल्सो नॉट इन ट गवर्नमेंट क्योंकि उनकी पार्टी बड़े शक्की निगाह से देख रही है उनको वैसे नहीं हमारे साथ नहीं है गए, वी आर नॉट टच टच इन हिम कथी तौर पे नहीं ये गलत बात है कि वो हमारे साथ किसी रास्ते में हुत के साथ या के साथ वो कोई रास्ता नहीं है उनका और, और अगर होता जी जी. तो वो रहा किसी चीज में ट्रांसलेट होता ना हुँ. जब वो रहा ट्रांसलेट नहीं हुआ तो तब अगर हुआ होता तो कोई ना कोई उसकी ट्रांसलेशन सामने आती तो वो ट्रांसलेशन ना सामने जा आने, जा आने जा पे भी एक जवाब ये पेश किया जा रहा है कि आपने बतौर कंटिजेंसी प्लान के तौर पे भी उनको रखा हुआ हो सकता है नहीं मेरे ये कोई कहता है चार रखे हुए थे कोई कहता है छह रखे हुए थे कोई कहता है बारह रखे हुए थे मेरा मतलब है ये कोई हमने वेयर हाउस तो नहीं बनाया हुआ था जिसमें लोग रखे हुए थे हमने हम हम तो स्ट्रगल करते रहे हैं कि किसी तरह हमें एक की दो की मेजोरिटी मिल जाए और हमारे पास रखे जो रिजर्व में वोट थे वो चेयरमैन और स्पीकर का था कि अगर हमें जरूरत पड़ती तो स्पीकर साहब भी वोट करते और चेयरमैन साहब भी वोट करते तो सर ये तो पहले भी कर सकते थे साहब ये तो पहले भी कर सकते थे फिर ये इतनी तगो दो साहब को भी ऑन बोर्ड लेना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उस अमल मशाती उस, नहीं उसका उसका एक सियासी जो है डिविडेंड्स बहुत ज्यादा थे कि मौलाना की एक अपना एक मकाम है उनकी पार्टी की एक है उनका इंडोर्स करना इस तरमीम को जो है उसके पोलिटिकल डिविडेंस बहुत ज्यादा है ये ये उस जो भी हमने स्ट्रगल की बिल्कुल वो ये सारी सूरत हाल डिजर्व करती थी कि हम वो स्ट्रगल करते मौलाना को मनाते उनको किसी एक ऐसे सोल्यूशन पे लेके आते जो उनको एक्सेप्टेबल होता इट्स नॉट ओनली फॉर वोट्स देखिए अगर अगर हमारे वोट पूरे होते और मौलाना ना होते तो उसका हमें कम अज कम सियासी नुकसान जो जरूर होता के हमेशा के लिए एक तारीख में लिखा जाता कि जी फला अमेंडमेंट हुई और उसमें जो है फलां फलां पार्टी ने जो है वो एब्सटेन किया या मुखाल ने मुखालफत में, मुखालफ में वोट दिए तो कोई अच्छी बात तो नहीं थी मौलाना का आना जो है वो बायसे बरकत भी है और से एक के में अच्छा बट ख्वाज साहब आपने जिस तरह से कहा कि चेयरमैन और स्पीकर साहब के भी वोट्स आपके पास मौजूद थे बट एक चाहते थे कि कंसेंसस डेवलप हो ये कितना अफसोसनाक मंजर है ख्वाज साहब के बी एन पी मगल के सरबरा अख्तर मिंगल साहब उन उनपे आज खबरें जिस तरह की चल रही हैं कि उनपे दहशत गर्दी का मुकदमा बना दिया गया है कि वो असलाह लेके पार्लियामेंट जो है वो पहुंचे थे सेनेट गैलरी से उनको निकाला गया था क्या वाकई वो बसले से लेस थे और उनको धमका रहे थे मुझे, मुझे, मैं बिल्कुल पे इसका नहीं बिल्कुल तौर पर है बट एक खद्चा जो आप जाहिर कर रहे थे 25 अक्टूबर के बाद का जिसमें इलेक्शन ऑडिट का एक खदा बड़ा मौजूद था वो खदचा अब दूर हो गया है नहीं मैं मैंने ये बात जरूर की थी जो आप कह रही हैं मैं उससे इनकारी नहीं हूं लेकिन जो है मेरा ख्याल है कि अगलिया की सेंटिटी इसी में है कि वो सियासत से जो है दूर रहे अगर उनके कोई पर्सनल ओपिनियंस हैं वो पर्सनल ओपिनियंस जो है रिफ्लेक्ट ना हो उसके अंदर जो है हमारी अगलिया के जो जो एटीट्यूड है वो लास्ट टेन ईयर्स वुड से और एट ईयर्स और नाइन ईयर्स आ, माजी में बड़ी वारदातें हुई मैं उनको नहीं लूंगा क्योंकि आपने सवाल जो है मौजूदा हालात के मुताबिक की है तो उन्होंने बहुत ज्यादा पोलिटिकल जो है एक स्टेटस जो है वो ज्यूम कर लिया हुआ था एक पॉस्टरिंग कर ली हुई थी पोलिटिकल जो है आ, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता मैं समझता हूँ कि इस तरमीम के बाद जो है आ, अगर वो आ, क्या कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन कर लें आ, सुप्रीम कोर्ट हो जाए हुँ. तो मुल्क के लिए बहुत अच्छा हो चाहिए राइट बट खाई साहब आप कुछ इंस्टेंसेस तो गिनवा ही सकेंगे आ, के जिनकी जिन जिस के हवाले से आपने एक पैमाना तय किया और जस्टिस याया आफरीदी साहब जो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है आ, आ, उनको जो उनकी सिलेक्शन जो है उससे मुतालिक हुकूमत ये कह रही है कि वो एक नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर है ही हैज एन इम्पेकेबल प्रोफाइल इसमें कोई शक नहीं है आ, बट वो किसी ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं थे ये आ, कैसे जज किया या कैसे आप लोग ने गेज किया आ, कुछ अग, अग, अगर, अगर आप इंसेंसिस बता सकें ये की बात है मैं फिर वही बात करूंगा कि ये ये जब आ, आ, अगलिया जो है आ, अपने आ, फैसलों के जरिए बोलती है लेकिन जब अगलिया जो है उनकी अटरसिस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एडजुडिकेशन या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग पॉलिटिकल रिमार्क्स देने शुरू कर दें और uh, एक uh, um, राइट बट बट साहब मैं थोड़ा सा मुताज इसलिए बोल रहा हूँ मैं मुताज इसलिए बोल रहा हूँ कि छब्बीस तरमीम जो है उसका फोकस जो है ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट जो है वो अदलिया पे रहा है Right. तो राइट लेकिन लेकिन है, लेकिन आपको ये तनकीद का भी सामना पर करना पड़ रहा है हुकूमत को ख्वाज साहब के और लीगल फ्रिटर्निटी की तरफ से कि आप लोग ने जुडिशल स्ट्रक्चर भी 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 को भी रिवर्स कर दिया है अब आप लोग के से मुतालिक या वो केसेज जिनमें आप लोग पार्टी होंगे हुकूमत पार्टी होगी आप लोग ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी तश्कील देंगे आप भी बताएंगे कि कौन कौन से जजेस जो है उसमें अपॉइंट किए जाए एशिया तो सौ, सौ बड़ी -बड़ी है, है, की सबसे बड़ी बार है तो मुझे वोखला के ओपिनियन का मैंने हमेशा इतना मैं खुद वकील हूँ मेरे पास लाइसेंस है प्रैक्टिस का जो मैं सस्पेंड करवाया हुआ बिकॉज ऑफ माई पॉलिटिकल uh, एक्टिविटीज जो है जायज न जायज हो भी हैं तो उसकी वजह से मैं सस्पेंड करवाया हुआ है लेकिन मैं बखौस साहब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से आप लोग कैसे दूर रख सकेगी कोई भी पार्लियामेंट या गवर्नमेंट देखिए हम तो जरूर दूर रखेंगे पर मैं उसे वीएसए से भी जो अराकीन है अग्लीया के मैं उनसे भी ये टोक तो करता हूं कि वो भी अपने बिहेवियर्स से अपनी जो अटेंसेस हैं अपने कमेंट्स जो हैं अपने जो फैसले हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन को वो आप होल्ड करेंगे साहब नेगेटिव नहीं लेकिन अवाम को समझा देने की हद तक ही कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है चूंकि जिस तरह से नजर आ रहा है कि फॉर्मेशन इसकी वही जुडिशियल कमीशन करेगा जिसमें डोमिनेशन गवर्नमेंट की होगी आपके नॉन जुडिशल जो मेम्बर्स हैं वो ज्यादा हैं इस जुडिशियल कमीशन का हिस्सा और वही तय करेंगे कि किस जज ने वो आ, आ, इसका हिस्सा बनना है कौन कौन सा केस सुनेगा आ, सो ये एक तासर जाता है कि इसको सियासी इन्फ्लुएंस का ये शिकार होने जा रहा है बट जहां पर आज वजारते कानून ने यह बात क्लियर की कि नामजद जजेस में से सीनियर

उसको अगलिया की जो जुडिशल कमीशन है उसके मैं समझता हूँ मैं एज ए पार्लियामेंटेरियन मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज्यादती थी जो ये ज्यादती जो है तकरीबन तो सोलह सत्रह साल हमने बर्दाश्त की है तमाम दुनिया में ये फंक्शन जो है पार्लियामेंट करती है आपको भी पता है मैं ये मैं मुझे ब्री कॉन्फिडेंट कि आप ब्रिटेन का यूएस का देखें वहां पे जो है कई कई दिन कई कई महीने जो है कंफर्मेशन प्रोसीडिंग्स चलती हैं और वो, वो बाकायदा टेलीवाइज होती है और वो वहां की सेनेट जो है वो अपॉइंटमेंट करती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो आपको भी पता है तो अगर पाकिस्तान में पार्लियामेंट के पास ये ताकत जो है आ गई है या ये पावर या डिस्क्रेशन आ गई है तो उसपे किसी को इतराज नहीं होना चाहिए मैं समझता हूँ वी आर मूविंग द राइट डायरेक्शन हम जो है पार्लियामेंट की बाला दस्ती है उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं उसमें कल हम नहीं होंगे कोई हम, हमने ठेका तो नहीं लिया हुआ कि हम हमेशा बैठे रहेंगे कल कोई और पार्टी होगी वो वो पार्टीज को भी उसी तरह रिप्रेजेंटेशन दी गई हुई है और फिर ये है कि आ, ये एक बड़ा आम मैं दो दिन से चल रहा है कमेंट जो है अब देखें, मैं जस्टिस आलिया नी, नीलम का नाम जो है जुडिशल कमीशन ने भेजा हुआ था और वो वो तीसरे नंबर पे था उनका नाम जो है जुडिशियल कमीशन ने किया हमने उसको एंडोर्स किया और मैं बिल्कुल ऑनेस्टली समझता था, था कि वो हमने सही एंडोर्स किया तो अगर ये हो सकता है हम हम जो है उनका अपर हैंड या उनकी हेजमनी जो है मुनासिब लफ्स नहीं है वो हमने चौदह साल एक्सेप्ट की और अब जो है उसकी कुरेक्शन हुई है कॉन्स्टिट्यूशनल कुरेक्शन हुई है तो किसी को इतराज है पार्लियामेंट में सारी पार्टियां उसमें शामिल हैं उस जो पा, जुडिशियल पार्लियामेंट की रिप्रेजेंटेशन होगी उसमें सारी पार्टियां पार्टी रेशों के मुताबिक जो है उनकी रिप्रेजेंटेशन होगी लेकिन बालादस्ती जो है वो मैं 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 पार्लियामेंट की पार्लियामेंटेरियन सारी मेरी उम्र का जो है आधा हिस्सा जो है पार्लियामेंट में गुजर गया है तो मैं आई वुड साइड कहा برطانیہ और अमेरिका से फिर एक इंस्पिरेशन uh, ड्रॉ करते हुए इसको इंप्लीमेंट किया गया बट ख्वाद साहब ये राणा सनावला साहब ने गुजश् रोज कहा कि uh, ये जो आईनी तरमीम पास करवाई गई हैं बहरहाल इसका मकसद जो है वो जस्टिस मंसूर अली साहब का रास्ता रुकवाना था नहीं मैं मैंने मैं, मैं, मैं समझता हूँ कि मेरे नजदीक जो है ये एक बड़ी ऑब्जेक्टिव किस्म का एक मकसद था उसमें ऑब्जेक्टिविटी यही थी कि एक बैलेंस जो है वो पार्लियामेंट के हक में हो लेकिन उससे ये मकसद नहीं है कि जो हम उनकी टेरिटरी पे इंक्रोच करें इसकी जो है जुडिशरी लास्ट पर्सन टू इनक्रोच ऑन देयर टेरिटरी लेकिन द मोमेंट वहां तो 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 आपकी इजाजत सेवा गुत को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के करने पड़े और आपने भी कहा कि इसका असल स्क्रिप्ट जो था आ, उस पर अमल दरामद अभी रह गया है सो कौन कौन से मामला थे आप अगर हमें बता सकें कि जिनको ड्रॉप किया है और भी मीडिया में भी आया हुआ है कि बहुत सी तरामीम थी जि, जो जो जिन लेकिन क्योंकि हमने कंसेंसस क्रिएट करना था तो वी हैड टू डंप सम सम ऑफ द एमेंडमेंट्स व्हिच वर प्रपोज्ड लेकिन अब क्या उसमें मेर, मेरा मेरा ख्याल है कि uh, मेरी मेरा अपनी एजेंशन है कि एक सेकंड फेज जरूर आएगा uh, आयनी तरामीम में का जो है जिसमें जो बाकी रह गई हैं उनको उनको uh, डाइसलेट करवाए जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स भी शामिल होंगे उनके दोबारा लाने के सूरत में देखें मैं, मेरा, उसके ऊपर एक बड़ा मेरा ख्याल है आपके प्रोग्राम में भी मैंने ये कहा होगा किसी न किसी मौके के ऊपर जो है कि ये जब वेन यू आप अटैक करें मिलिट्री इंस्टीलेन्स को तो अगर स्पेशल कोर्स जो है बना सकते हैं अमेरिका बना सकता है अपने मुल्क में जो है पार्लियामेंट पे हमले वाले लोगों को ट्रा, का ट्रायल करने के लिए तो पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्स क्यों नहीं हो सकते बिल्कुल हो सकते हैं बख्वैसा फिर इस तनाजुर में हम सत्ताईसवीं आयनी तरमीम की तरफ पार्लियामेंट को बढ़ता हुआ देखेंगे और तेजी से मेरा ख्याल है कि जरूरत है मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं कि जरूरत है सताईसवी अमेंडमेंट आनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज जिनके अगर इस पे रिजर्वेशन सी आ, वो उनको आप अलाइन कर पाएंगे या उनके बगैर इस बार सताइसवी आरोवी तरह आएगी नहीं देखे ना ये ये जो अभी जो छब्बीसवीं हमने पास की है इस पी पीटीआई भी मुतफिक थी बारह उनके लीडर ने इनकार कर दिया मिलिट्री कोर्ट्स के क्या पीटीआई अलाइन थी नहीं मैं जो फाइनल जो ड्राफ्ट जो सामने आया ये जो जिसके चार पांच रोज पहले जब जेल में मिलने गए हैं उसमें उसके बाद उसके बाद उन्होंने उन्होंने कहा, अपना मुसवद, मुसवद, मुसवदे, मुसवदे के ऊपर बिल्कुल उनकी जो है राजी थे हाँ. उन्होंने कहा कि हमें हमें दो चीजों पे इतराज था कहीं आप काजी को जो है उसको रिटेन ना, दे ना किसी ना किसी दे, रिटेन ना करें रिटेन ना किसी न कर ले किसी ना किसी सूरत में राइट right. और दूसरा मिलिट्री फोर्स का ये दोनों चीजें जो आप नहीं कर रहे तो वी वी आर फुली विद विद द गवर्नमेंट ऑन दिस अमेंडमेंट्स अमेंडमेंट्स राइट बट साहब आखिर में लेकिन लेकिन हमें हमें, हमें हमें जाना पड़ेगा अपने लीडर से पूछने के लिए लीडर से पूछने गए लीडर ने उनको जवाब दे दिया वो वापस आके उन्होंने आपसे मादरत कर ली और उनको बहरहाल तनकीद का सामना करना पड़ रहा है चाहे वो चीफ जस्टिस साहब की नॉमिनेशन से भी मुतल जिसमें उन्होंने रुकन के अरकान के नाम दिए और उसके बाद फिर उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था बहरहाल कमेटी मीटिंग से बर ख्वास आखिर में जनरल फैज हमीद की कोर्ट मार्शल की इनिशियशन जो दो माह पहले हुई अरेस्ट के बाद उससे मुतल आप बतौर डिफेंस मिनिस्टर की हैसियत से हमें क्या बता सकेंगे ये फैसला कब तक मुतव है मैं इसमें एक तो पहली बात है मुझे पता नहीं है लेकिन अब पता हो भी तो मैं इस पर कमेंट नहीं करूं बट आखिर में खाई साहब ये जरूर इस पर रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा की पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके एहतजाज अब आपकी हुकूमत के लिए बहरहाल कोई थ्रेड तो नहीं रहे देखे एहतजाज या पोलिटिकल डेमस्ट्रेशन या पोलिटिकल जो है इख्तलाफ जो है उसकेमाल जो है वो तो हमेशा रहता है उसको कैटेगोर कभी भी जो है उसको रिमूव नहीं किया जा सकता सीन से बट डू देजिंग योर गवर्नमेंट मैं समझता तो हूँ कि पोलिटिकल माहौल भी जो है वो आश्टा आश्टा जो है उसमें जो जो एक थ्रेट की परसेप्शन थी वो भी आता आस्ता डिलीट हो रही है तो ये इस इस माहौल में मैं समझता हूँ हमारे जो जो खदशात हैं वो दिन ब दिन जो है वो रिमूव हो रहे हैं और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दोनों हैंड इन हैंड होते हैं

वजीर दफा ख्वाजा आसिफ साहब के साथ मौजूद थे और बहुत क्लैरिटी के साथ उन्होंने बताया कि आइनी तरमीम और जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी साहब की जो नॉमिनेशन है उसके बाद उनकी अपॉइंटमेंट बतौर नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो क्यों और किस वजह से और क्या पैमाना किस तरह से तय किया गया था उस हवाले से आप बता रहे थे और जो नुकात छब्बीसवीं आईनी तरमीम में ड्रॉप किए गए पोलिटिकल था लेकिन वो सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के एक सूरत में जरूर दिखाई दे सकते हैं प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का मैं प्रोग्राम में ज्वाइन करी एंड आई वेरी ऑनर टू हैवर इन दूडियोजर वजी साहिबा सीनियर पाकिस्तान तरीके इंड ऑल्सो द पार्लियम लीडर ऑफ पाकिस्तान तरीक इन साफ इन देशन असम्बली थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मैम सबसे पहले आपसे हम बात करेंगे सिलसिला इसी बात से कि आज नौ माह बाद बुशरा बीबी साहिबा रिहा हुई हैं और जो ये बात एक तासुर दिया जा रहा था जा रहा था कि पहले रोपकार उनका जारी होता था फौरन अरेस्ट कर लिया जाती थे उनको और आज जो है जैसी रोपकार जारी हुआ उनको फौरन रिलीज कर दिया वो वहां से मूव भी कर गई मूव करके उनको बनी गाला लेके जाया गया उसके बाद फिर वो रवाना हो गई फर्दर आगे सो ये क्या हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है क्योंकि दो रोज कबल तक तो आपकी जमात के सेक्रेटरी जनरल कह रहे थे कि अब अदालतों से रिलीफ का इंतजार ना करें अब सड़कों से रिलीफ मिलेगा थैंक यू अलीना थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मैं सबसे पहले बात है कि नौ महीने के बाद बुशरा बीबी बेगुनाह जेल के अंदर थी और उनकी पहली दफा जमानत हो गई है और आज व रिहा हो गई है इस कदर मुल्क के अंदर लोगों का जिना हराम कर दिया हुआ गया है इस कदर इंसाफ को महंगा कर दिया गया है कि अगर किसी बेगुनाह को देर के बाद भी इंसाफ मिलता है तो उसको कहते हैं कि ये कोई कंस्परेसी थियरी है या किसी शख्स डील का नतीजा है तो देखिए सैड स्टेट ऑफ अफ अफेयर्स कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिसमें खुवान के लिए स्पेशल थोड़ी सी नरमी है क्या आप खुन की जमानत को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहां पर खातन को बेगुना बुशरा बीबी जैसी एक खातून जिसका कोई गुना नहीं था सिवाय इसके वो इमरान खान साहब की एहलिया है और उसी मुल्क में इधत जैसे घटिया केस, केस भी बनाया गया इधत जैसे घटिया केस भी उनके ऊपर बनाए गए और पूरे पाकिस्तान की खबन मुझसे फेंड हुई और मैं बल्कि खातन का शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि वो इस केस के मामले में बुशा बीबी के साथ खड़ी होगी तमाम खाती जी वो यूनाइट होगी तो ऐसे में बुशा बीबी को डिले से देर से इंसाफ मिला है लेकिन मैं इसको खुशाइन इसलिए समझती हूँ कि मैं समझती हूँ कि देखिये एक खातून बातून खातून बेगुनाह खातून मैंने पांच दिन जेल में गुजारे हैं मुझे अब मेरे घर से उठाया गया था इंसान समझता है कि मेरी क्या इज्जत या मेरी क्या हैसियत है आप मुझे कॉल कर देते मैं थाने पेश हो जाती तो ऐसे में उनके उनको ये एक रिलीफ मिला है जारी बातें हमारे लिए बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों में लीडरशिप में इतना पोटेंशियल है कि इतने तारीख राहों के बाद इतने मायूसी के बाद अगर हमें कोई जरा सा भी देर के बाद बुशरा बीबी की सूरत में जमानत तो और हमें कोई रिलीफ मिला भी है हम इसके ऊपर बिल्ड कर लेंगे हम इसके ऊपर मोमेंटम बिल्ड कर लेंगे लेकिन ये और लेकिन लेकिन आप लोगों ने कुछ नहीं किया उनकी रिहाई के लिए नहीं हमने बिल्कुल भी नहीं ये तो देखिये हम लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है हमने हर फोरम एक्सरसाइज किया हम लोगों ने सड़कों पे जाके पीसफुल प्रोटेस्ट किया हमने जल्द से किया हमने जलूस किए हमने पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर तमाम बेगुनाह खवतन और कैदियों के, के लिए अपने लीडर इमरान खान के लिए आवाज़ उठाई और हम लोगों ने हर सूरत में जब भी जमानत रिजेक्ट होती थी जब मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान में खुवान के लिए थोड़ी सी कानून में नरमी है लेकिन जारी बातें इतना बदतरीन दौर पाकिस्तान में खुवातियों के ऊपर गुजर रहा है स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी सियासी खातन कैदियों की तादाद हिस्ट्री में नहीं है जो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई है ऐसे में सबसे पहले तो अलीना मैं आपके प्रोग्राम पे सीरियसली मैं बुशरा बीबी को सलूट पेश करना चाहती हूँ मैं उनको अप्रिशिएट करती हूं कि आपका हौसला नहीं टूटा आप भी एक बहादुर की मिसाल हैं आपको सजा अप, अपने हसबेंड की अपने स्पाउस की इमरान खान की आपको दी गई लेकिन आपने हौसला नहीं छोड़ा आपने कोई शोर नहीं मचाया आपने कोई खातन का कार्ड नहीं खेला आपने विक्टम कार्ड नहीं खेला आपने चुपचाप करके नौ महीने बगैर किसी जुर्म के आपने वहां पे गुजार दिए हैं मैं आपकी बहादुरी को सलूट पेश करती हूं और मुझे यकीन है कि इन मेरा लीडर इमरान खान भी बाहर आएगा आपको लगता है बिल्कुल देखें उनकी मुश्किल कम होती दिखाई दे रही है वही वही बात है ना अलीना एक इंसान सोचता है कि मैं मैं शायद मैं इतना ताकतवर हूँ कि मैं अपने फर, मर्जी से फैसले कर लूँ मैं जबर कर लूँ लूँ लेकिन फिर एक अल्लाह की ताकत होती है अल्लाह की ताकत ऐसी होती है कि अभी आप ये देख रहे हैं कि हमने ये सोचा भी नहीं था और अलहमदल्ला हमारे वकील लगे हुए थे शुक्र है वो घर खैरियत से आ गई हैं जारी बात है मेरे लीडर इमरान खान ने भी कोई जुर्म नहीं किया कोई कानून नहीं तोड़ा बल्कि इमरान खान ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है ऐसे शख्स को जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हो जिसका सबसे बड़ा वोट बैंक हो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो आपने बगुनाह सिर्फ इसलिए कि पीएमएनएन पीडीएम को सत्रह सीटों वाली जमात को अपने कुर्सी के ऊपर बिठाना था आपने उस शख्स को सजा दी अल्लाह बहुत बड़ा है हम हर फोरम पर फाइट कर रहे हैं अरे पता है कि जिनके साथ मुजाक होनी और आपके तो लीडर खुद भी बिलीव करते हैं कि जिनके पास असल इख्तियार है उनके साथ कुछ एंगेजमेंट या कोई मामला को आगे भी बढ़ते हुए देखना चाहिए फिर तो वो कुछ बात चल रही है देखिए मैं आपको बताऊँ अभी तो बुश्रा बीबी को बहुत मैंने फिर वही बात की है कि बहुत देर से उनको इंसाफ मिला है जमानत तो हुई है जबकि उनकी जमानत तो पहले दिन होनी चाहिए थी डॉक्टर यासमिन राशिद का हम वेट कर रहे हैं अभी खान साहब की जदार बहन है अलीमा आपा उजमा आपा, बेगुना बेवजह जाके उनको जेल के अंदर डाला हुआ है कोई सजा नहीं है हमारी दो रोज़ कबल तो उनकी बहन और साहिबा भी जेल के बाहर मौजूद थी लेकिन पार्टी लीडरशिप और बड़ी तनकीद का निशाना बनाया आप लोग की जमात को इवन सोशल मीडिया पे अवाम ने किधर थे पार्टी लीडरशिप उनके साथ कोई मौजूद नहीं था अलीना मैं शोज पे आके कह रही है की मुझे कुछ बताया नहीं जाता पार्टी लीडरशिप जाने अलिना मैं बात बताऊँ बहुत सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं लेकिन जितना पोलिटिकल एक राइट्स को एक्सरसाइज करना होता ना किसी पोलिटिकल पार्टी ने अपनी विल पावर से बढ़ के हमारे वर्कर्स ने हमारे सेकेंड ईयर लीडरशिप ने और हमारी खातिन ने जितना इस पोलिटिकल पार्टी के साथ जुल्म जबर हुआ लीडरशिप के साथ फिर भी हम खड़े हैं फिर भी हम कोशिश करते हैं लेकिन चूंकि एक तरफ से हमारे चौदह सौ चौदह सौ कारकुनान अगवा हो जाते हैं एक तरफ हम खुद अगवा हो जाते हैं दूसरी तरफ हमारे एम एन एस की बीवी बच्चों को उठा कर उनको टॉर्चर किया जाता है और जबरदस्ती उनको रात के अंधेरों में तरमीम का हिस्सा बनाया जाता है एक तरफ आप, आप लोग तो बड़, बड़े कॉन्फिडेंट थे कि कोई भी टूटेगा नहीं आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट थे आखिर वक्त तक कि हमारे सारे नंबर इंटैक्ट हैं कैसे और आप तो पार्लियामेंट्री लीडर हैं आप कितनी आ, मतलब आपके लिए एक अफसोसनाक एक सिचुएशन थी या यू वर सरप्राइज यू वर टेकन अ बैक जब आपने वो मंजर देखा कि चार लोग जो है वो गैलरी में मौजूद थे ऊपर लॉबी में मौजूद थे और बाकी सारे जो है वो ट्रेजरी बेंचेस पे मौजूद थे अलीना जब मुझे खुद अरेस्ट किया गया था ना तो मेरे मुंह पे उन्होंने काला कपड़ा डाला दहशत गर्दों की तरह और मेरे आंखों पे काली पट्टी डाली तो मैं बार बार आप कभी ये जब चीजें खुलेंगे तो वो आपको बताएंगे कि मैं बार बार एक विर कर रही थी जारी बात मेरे मुंह में नेचुरली पश्तो नहीं कर है क्योंकि मैं पश्तो स्पीकिंग हूँ, तो मैं बार बार या गदारी चेवाना कर या गदारी चाहिए इमरान खान सारा का यानी मैं अपने उसको ईमान की तरह एक बात को विरद की तरह दोहरा रही थी कि मैं गदारी ना करूँ इमरान खान के साथ चाहे जो मर्जी मेरे ऊपर सख्ती हो तो जब ये आइनी तरमीम जो भी हुई जो इन्होंने अदलिया के पर काटे जो इन्होंने पाकिस्तान के अंदर अंधेर नगर करके पार्लियामेंट को उस पार्लियामेंट के जरिए अदलिया के ऊपर अख्तियार दे दिया गया जो खुद फॉर्म सैतालीस के पैदावार है जो जाली है जो जाली है हुकूमत है उन्होंने अदलिया को जो है आ, कोशिश की कि हम कह रहे हैं हैं आप इस इस चीज में में पूरे प्रोसेस में। उस, उसका भी मैं जवाब देती हूं लेकिन पहली बारी अलीनाबाद के अफसोस हुआ है यकीन करें अलीना उनको खुद अपने गरेबान में झांकना पड़ेगा उनको खुद देखना पड़ेगा पहले भी बहुत सारे लोग थे बहुत बड़े बड़े स्टॉल वार्ट थे वो कहते थे हमने इमरान खान को बनाया है हमने इमरान खान की सियासत को किया हमने इमरान खान को हुकूमत दिलवाई है जब वो खान के खिलाफ खड़े हुए ना उनकी सियासतें खत्म होगी उनकी इज्जतें खत्म होगी उनके खानदान की नेकनामी ख़त्म हो गई तो जो जो ये समझता है कि मैं किसी खौफ का शिकार हो के किसी ब्लैकमेलिंग का शिकार होके मैं मैं ये नहीं कहती कि जुलम नहीं हुआ जुलम बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है लेकिन फिर वही बात ना अपने खौफ के बुद्ध तोड़ने होते हैं मेरा लीडर सच्चा खरा है मेरा लीडर तो आज भी बहादुर से मुकाबला कर रहा है उससे पहले जब आपको अरेस्ट किया था आपको क्या प्रेशर किया जा रहा था लीना में ये एक जिसको कहते ना कि स्टोरी मेरी ऐसी होगी और मेरे मुंह से मैं ऐसी आपको बात बताऊंगी कि 9 मई के बाद जो सबके ऊपर टॉर्चर और प्रेशर था कारोबार खत्म करना आपके घरों को तोड़ना घरों के दरवाजों को तोड़ना अपनी फैमिली को आपकी फैमिली को खौफ और हरास का शिकार करना और आपको झुकाना और कीमतें लगाना यकीन करें अलीना मैं तो 2010 अपने से अपने स्टूडेंट लाइफ से इमरान खान के साथ इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की प्रेजिडेंट से हो कि मैं यहां पार्लिमानी लीडर तक का सफर मैंने तय किया मैं समझती हूँ यह भी मेरी तोहन है अगर मैं ये लफ्ज बताऊं कि मुझे किसी चीज की ऑफर की गई या मुझे पैसे की ऑफर की गई क्योंकि इंसान की जो जो आपका जमीर है ना जो मेरा लीडर इमरान खान कहता है आपकी जमीर की कीमत नहीं होती है इंसान की कीमत नहीं होती भेड़ बकरियां ये घोड़े गधे हैं ये ये बकरा मंडी है जिसके अंदर जो है ना आपकी कीमतें लगाई जाती है ये सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं ये पीपल्स पार्टी पीएमएलएन को मुबारक हो और इन्होंने इसी के ऊपर सियासत बिल्ड की इंशाल्लाह आगे इनको जिंदगी में एक वोट नहीं मिलेगा चाहिए जो मर्जी आई इनको पामाल कर ले पार्लियामेंट को इरगमाल कर ले लोगों को इरगमाल कर ले सो ये ये तो मैं कभी इस बारे में बात ही नहीं करूंगी हाँ अलबत् अलीना स्टेट से लोगों से गिला ठहरता है उसकी वजह है जब आपकी जिंदगी ना पूरी उम्र आपका जीना मरना पाकिस्तान में आप सबसे लाली परचम की इज्जत करते हो वे जस्ट वन कॉल है आप कहते हैं ना आपने फलाने उसके खिलाफ वर्जी की तो आए ना हमें थाने में बुलाएं आप बुलाएं ये क्या बात हुई कि आप दहशत गर्दों की तरह खुतिन के कमरों में घुसे उनके मुंह के ऊपर और आप आंखों के ऊपर पट्टियां बांधे दिन दहाड़े उनको बगैर तो के आप खेंचे और उसके बाद आप क्या डालेंगे सोलह एम पीओ मतलब आप कह रहे हैं कि आपने क्या मतलब दिस इज एक होता है ना कि पाकिस्तान काले कवानीन से निकल रहा है और आप दोबारा से उन काले कवानी के ऊपर डीसी को आपने इख्तियार दे दिया लोगों को जलील करने का जुडिशल पावर किसने कहा कि डीसी के पास है वो एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है बहरहाल मैं ये समझती हूं कि अल्लाह तला ने बहुत सारे लोगों को सुर्ख रू किया और हमारी पार्टी खड़ी रही हमारे पार्टी के कारकुनान खड़े रहे यकीन करें अपने पार्टी को जरूरत को सलाम पेश करती हूँ कि इतने जुलम के बावजूद भी हमारी पार्टी पोटेंशियल और मैंने आपको दूसरी बात आप बता पा, रही पांच थे आपकी नेशनल असेंबली से ही जो कि डिसाइसिव जो फैक्टर था वो आपके पांच की वजह से आ, उनको उनकी ये लेजिस्लेशन जो है है वो पास हुई सियासत उनकी भी खत्म है ना फिर सियासत उनकी भी खत्म है लोगों ने वो चेहरे भी पहचान है लोगों ने उनको देखा भी जो वोट देने आया जिन्होंने वोट नहीं दिया और अभी आप जिस तरह से कह रही है कि जदोकोप किया जाता है दबाव डाला जाता है धमकियां दी जाती हैं कारोबार शट डाउन किए जाते हैं फैमिली मेंबर्स की थ्रेट दी जाती है सब कुछ करके भी जिन्होंने वोट नहीं दिया क्या उनको मौका ऑलरेडी आप लोगों ने कॉज इशू किया है लेकिन क्या उनको कंसिडर नहीं करना चाहिए नहीं आ, अलीना वो कॉज नोटिस देखे ना अगर वो रिजर्व में बैठे रहे हुकूमत के नंबर पूरे करने के लिए और ऐसे नंबर जिसपे मेरी पार्टी का मेरे लीडर इमरान खान का टोटल हमने मौकाफ था कि हम यहां पर अप्सटेंड करेंगे हम वोट ही नहीं डालेंगे तो वहां पे उन लोगों का वो वहां पे क्यों मौजूद थे वो अपने एक्सप्लेनेशन देंगे लेकिन पार्टी के... को शोक नोटिस देंगे पार्टी उनके जवाब को लेकर खान साहब के पास जाएगी लेकिन ऐसे मौके पे जो आपने कहा ना किसी के कारोबार तोड़े जाते हैं किसी को मारा पीटा जाता है फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है तो ऐसे में आदिल बाजी भी तो है ना मतलब एक नौजवान लड़का बलोचिस्तान से कारोबार गिराया उसका घर गिराया लेकिन वो यंग नौजवान खड़ा रहा तो मिसालें कायम होती है वक्ती नुकसान के बजाय जब आप खौफ के बुत तोड़ के खड़े रहते हैं ना आप मैं फिर वही कह रही हूँ फिर आप मुस्तबिल हो जाते हैं फिर आप एक इस बन जाते हैं जा, जैसे आज बश्रा बीबी बहादुर का इसतारा बन गई आज इज्जत से फिर वापस घर आ गई है ना लेकिन जिन्होंने जुलम जुन करना था ना वो एक्सपोज हो गए राइट जताबा एंड कमिंग टू दिस फैक्ट के आप लोग ने छब्बीस आईनी तरमीम में क्योंकि मशावरत के जो अमल था उसमें आपकी जमात की रिप्रेजेंटेशन नजर आई टिल द डे और हुकूमत को अब ये जवाब मिल गया ये कहने का कि इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद आके आप लोग ने फ्लिप किया

बात है ना दो ढाई महीने हो गए जब इन्होंने हमारे एम एन एज जो है वो यरगमाल बना के उठा लिए तो ये जो कमेटी बनी थी ना इस कमेटी में हमारे लोग अगर जाते थे ना तो वो कोई इस मुसवदे को बरबास्त करने नहीं जाते थे और अगर आप इस आईनी तरमीम से पहले उधर ही पार्लियामेंट के अंदर जो हमारे चीफ विप आमिर डोगर साहब जो उस कमेटी का इसे वीडियो देखे उन्होंने कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं इस कमेटी के अंदर कोई बात हुई नहीं छब्बीस वाह तरमीम के ऊपर हुकूमत बिल्कुल झूठ बोल रही है ना हम उसका हिस्सा थे ना हम रहेंगे पहली बात तो ये क्लैरिटी होगी दूसरी बात यह कि जहां तक हुकूमत की बात है वो कहते हैं कि हम हमारा इसमें कौन शामिल था तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं ये एक कागज का टुकड़ा लेके कोई एस जारी कर देते कि हमने आइन को खत्म करके छब्बीस वाइनी तरमीम दे दी अब जाओ क्या कर लेते हाँ अल्बत्ता अल्लाह ताला ने इनके करतूत लोगों को पराया कर दे कि ये किस तरह लोगों की माओ बहनों बेटियों को उठाते हैं किस तरह ये चादर और चार दीवारों को पामाल करते हैं किस तरह ये आइन को यह रखमाल बनाते हैं और अब ये आईनी तरमीम की भी बात हो रही है कि अभी एक इसका एक नेक्स्ट फेज इस छब्बीसवीं आईनी तरमीम के बाद एक नेक्स्ट फेज आना है जिसमें मिलिट्री कोर्ट की भी ये प्रोविजन डाल चुके होंगे और मामला शायद उसी तरफ जाए जिसके खदशात आप लोग ऑलरेडी है उसके हवाले से आप लोग ने अदालतों को भी रुझू किया हुआ है कि इमरान खान साहब का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट सिंपल सिर्फ इमरान खान की मेरे लीडर की नहीं है वो तो है इस पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर किसी भी सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए जहां तक उसकी बात है मुसविदा लेकर आएंगे जारी बात है वोट इनके पास है नहीं पॉपुलरिटी सियासत इनके पास है फिर उधर हाँ तो फिर सवाल करना चाहिए ना कि लोगों को ये पचास पचास करोड़ एक एक अरब रुपए कहां से आते हैं यहाँ तो लोगों के पास पचास लाख भी नहीं है पचास हजार भी एक आदमी के पास अपने घर चलाने के लिए नहीं है इनके पास पीडीएम के पास नवाज शरीफ शहबाज शरीफ जरदारी के पास एक एक के महीने को खरीदने के लिए अलीना सौ सौ करोड़ कहाँ से आते हैं किसका पैसा इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान में आइन और कानून को चुराने के लिए आपको एविडेंस मौजूद है क्योंकि असद केसर साहब अगले दिन सदर जरदारी साहब के हवाले से भी कहे थे कि सुना यही है कि उन्होंने बहुत पैसे लगाए हैं हाँ तो ये तो सबूत अब सारी दुनिया में आएंगे क्यों अभी पिछले दिनों जब हमारे जब रिजीम चेंज था तो सारी दुनिया को मैंने बताया कि सिंध हाउस के अंदर बाकायदा बकरी मंडी लगा के हमारे जो 16 17 एमएनएस थे वो उधर साइड पे क्यों बैठे थे बाकी लोग कितने आराम से तोड़ लिए जाते हैं नहीं नहीं जब इसका हिस्सा था जब डिप्टी स्पीकर चेयरमैन और इसका जब बिलावल भुट्टो ने कहा नहीं था कि हमारे भी सैनेटर्स बिके हैं ये और बात है कि जब दूसरों के आप खरीदते हैं तो आप कहते हैं जायज है यानी बकरा मंडी लगाना जमीन फरोशी करना तो वो कहते हैं कि हमारे लिए तो जायज है लेकिन दूसरों के लिए जायज नहीं है तो, या या तो हमने तो कहा था कर एक्सपोज हमने तो केपी के में हुकूमत में जब हमारी दो हजार तेरह में हुकूमत थी तब ने हमने केपी के में अपने एमपीएस को एक्सपोज किया था क्योंकि हम इस सिस्टम पे बिलीव नहीं करते हम सरदार साहब बिलीव नहीं करते हैं पोलिटिकल मूवमेंट किधर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और क्या वाकई में एक पोलिटिकल स्ट्रेटेजी की अभी भी जरूर है आप लोग को क्योंकि शुरू किया था आगाज गुफ्तू का कि अब सड़कों पर नजर आ रहा एहत देते हैं तैयार तो है लेकिन मीटिंग में मौजूद एक किसी ने कहा कि लीडरशिप बाहर आ रही नहीं है नहीं नहीं मौजूदा लीडरशिप में तो ये पार्टी क्योंकि अब तो वो वक्त गुजर गया है अब तो यह गैर आइनी तरमीम हो गई ना तब हमें एम एन एस को कहा गया था कि आपने एक जगह पे रहना है बिकॉज मुल्क में अगवाकारी का अड्डा जो है वो इस्लामाबाद को बनाया गया था फैमिलीज को अगवा करने का अड्डा बनाया गया था इस्लामाबाद तो मैं तो कह रही हूं कि दुनिया के बेस्ट कैपिटल में आता था मैंने पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर कहा था कि इसको so, तो यूएन ने कहा था कि हमारा होम स्टेशन है so ये अब, अब, हुँ, 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 तो ये पाकिस्तान तेरे इंसाफ की हुकूमत की अचीवमेंट थी तो इस्लामा का वाकारी कार्डा काटा था तो हम उस वक्त थे लेकिन जब एम एन एज एम पी एस लीडर अपने लोकल निकलते हैं जो डेढ़ लाख लेते हैं तो उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है अब तो ये छब्बीसवीं करने वाला वही कह रही हूँ दो महीने की इस वाली काली तरमीम के बाद अब जब हम अपने इलाकों में हल्कों में आवाम के साथ बाहर आएंगे पीसफुल प्रोटेस्ट हमारा राइट है लेकिन इसके बावजूद होके आएंगे क्योंकि मुत भी होकर आएंगे की भी बात बड़े ताकतवरों के आएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे मजबूत पार्टी है हर दफा जो गंद निकलना होता है अलहमद वो छांटी हो जाती है हमारे पास ऐसे ऐसे लीडर्स मौजूद हैं किसी का अपना जी वोट नहीं है सिर्फ इमरान खान का वोट है जो इमरान खान का साथ देता है जो बहादुर होता है जो उसके नजरिए पे खड़ा होता है पाकिस्तान तहरीक का झंडा उठाता है, दो सौ से ज्यादा निशान हो वो जाता और हो तरीका, तरीका कोट का दरवाजा कट लिया हमने पीसफुल प्रोटेस्ट भी कर लिया मेरा ख्याल है कि अब इनाफ इज इनाफ अब उनको बाहर आ जाना चाहिए बुशा बीबी के बाद मुझे कोई उम्मीद जिससे मुझे फील होती है नहीं नहीं मेरी नजर में तो अभी उनको कल ही आ जाना चाहिए क्योंकि उनके सारे केसेस में Uh, फिफ्थ जून तक को अलीना फिफ्थ जून तो को सारे केसे केसेस तो लोगों को लगेगा कि ये तो नहीं मैं तो कहती हूँ देखे अलीना फिफ्थ जून को खान साहब को एक साल बेगुनाह जेल में हो चुका है पाकिस्तान के आईन कानून के मुताबिक मैं जून की बात करी पाकिस्तान का आईन कानून के मुताबिक आपका मर्डर केस में भी दो साल के बाद आपको जो है वो हो जाती है जमानत हो जाती है यहाँ तो झूठे केसेस हैं तो ये डील नहीं है पाकिस्तान में मैंने पहले कहा अलीना इंसाफ इतना नापैद हो गया है कि बेगुनाह शख्स को सालों के बाद भी इंसाफ मिलता तो कहते हैं ये कोई डील है <laughs> थैंक यू बहुत शुक्रिया जता साहब थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एस तेरिक इंसाफ की पार्लिमानी लीडर कौमी असेंबली में जती साहिबा इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थी जिन्होंने